अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पे इंजन का पता करने। मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं और उन्हें इंजन चाहिए सेंट्रो के लिए, तो मुझे कह रहे थे कि मुझे बताएं कोई 660 सीसी में। फिलहाल मैंने उन्हें कहा था यार आप 660 ना रखो, क्योंकि गाड़ी का जो बॉडी है वो भारी है और 660 इंजन जो है ना एवरेज ख़राब करेगा गाड़ी की। और उन्हें फिर मैंने ऑप्शन दी थी एक सुजुकी एवरी का जो 1000 सीसी का होता है 10K, ठीक है, एक उस इंजन का मैंने बताया था। और फिर मैंने उन्हें कहा था कि आप या फिर इसका अपना ओरिजिनल जो इंजन है ना वो लिखवा लो, तो उसकी मैं आप लोगों के साथ डिटेलिंग शेयर करता हूँ, ओरिजिनल इंजन की भी और जो सुजुकी एवरी में इंजन आया था उसकी भी, ठीक है। बाकी जो इंजन मुझे नज़र आएंगे मज़ीद अच्छे मैं उनकी डिटेलिंग आपको दिखाऊँगा। चलें लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये पड़ा हुआ है जी सुजुकी का एवी का जो इंजन है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है ऑटोमेटिक, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे एज इट इज पड़ा होगा। ये सेंसर वगैरह गिफ्ट वगैरह हर चीज़ इसके साथ प्रॉपर होगी, ठीक है जी, कोई चीज़ इसकी शॉर्ट नहीं होगी। और ये इसका जनरेटर, ये नीचे चैम्बर है जहाँ पे ऑयल होता है मोबलेल, ये देख, ये कंडीशन इसके नीचे से। ये इसकी कंडीशन है इंजन की, अच्छा ये जो है ये ऑटोमेटिक में है, ठीक है। इसका कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ आपको साथ मिलेगी। और इसका दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि ये है 660 सीसी, ये 660 सीसी इंजन है, कितने का इंजन ये? ये अभी का सिंगल पूरा मुकम्मल, वही जी। अब जो शॉप वाले हैं वो भी मुझे यही कह रहे हैं कि ये वाला इंजन जो है ना बड़ा है, ये उसके अंदर आएगा भी नहीं। और कुछ हमारे मैकेनिक्स ऐसे हैं जो लोगों को मशवरे दे देते हैं, गलत मशवरा, ठीक है। और सबसे जो बेहतर ऑप्शन है ना गाड़ी का अपना इंजन नया लेके उसके अंदर रखें, ताकि इन झंझटों से आप लोग बच सकें, ठीक है। क्योंकि ये रखवा के ये अगर आप ले जाते हैं गाड़ी में ये इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है ना, तो बेहतर यही है। अच्छा, तो सबसे मैंने मशवरा लिया और सब ने मुझे तकरीबन एक ही बात की है कि अगर आपने हुंडई जो सेंट्रो है उसके अंदर इंजन इंस्टॉल करना है तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप उसके अंदर इसका अपना इंजन जो है ना जनमन वो इंस्टॉल करें, ठीक है जी। और मशवरा काफ़ी मैंने ज़्यादा किया है काफ़ी बंदों से, उन्होंने मुझे यही यानी कि रिस्पॉन्स दिया है कि आप उसका अपना इंजन इंस्टॉल करें, दूसरे करवाएँगे हमें मसले मसाइल में रहेंगे, ठीक है जी। और इसका ये इंजन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये अपना इसका इंजन पड़ा हुआ है, अभी इसकी साफ सफाई होने वाली, सफाई होने वाली है इसकी, ठीक है। बाकी कंडीशन वाइज पूरा नहीं है, ठीक है। ये इसका कंप्रेसर वगैरह इसके साथ है, सेल्फ जनरेटर, ठीक है, हर चीज़ इसकी इसके साथ लगी हुई है। और ये इसका EFI सिस्टम है ये इस इंजन का, और ये इसके ग्रिप वगैरह देख लें, सेंसर हर चीज़ इसकी मुकम्मल इसके साथ होगी। और इसका कंप्यूटर भी, इसके कंप्यूटर इसका लगा हुआ है साथ, कंप्यूटर साथ होगा ना इसके, लगा हुआ है, हाँ कंप्यूटर इसका साथ ही है और वो आपको साथ ही मिलेगा, ठीक है। बाकी ये साफ होने वाला इंजन अभी, सीवीटी गेट किसे पे आए ये ना अमजदा जरा
अच्छा, दूसरी चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये जो इंजन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इंजन इस टाइम पड़ा हुआ है ऑटो में, ठीक है, ये ऑटो में है, ये मैनुअल नहीं है, ये देखो। इस टाइम ऑटो में है, ये कंडीशन है इसकी। मैं प्राइस आपको अभी इसकी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी जब प्लेस देते हैं ना, तो ये आपको इंजन मिलेगा 7,000 के सब में मिलेगी, ठीक है जी। और अगर प्लेस आप साथ नहीं देते तो 15,000 आप पड़ा लेंगे, यानी कि 85,000 का ना आपको ये इंजन पड़ेगा, और बाकी कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। ये भाई हैं वो कह रहे थे कि सेंट्रो में चेंज उन्होंने इंजन करके डालना किसी और गाड़ी का, मगर सेंट्रो को ना ही छेड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए फिर उन्हें माउंटिंग की सेटिंग पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद एसी का मसला आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं इस चीज़ में इंजन चेंज करने की वजह से। तो बेहतर ये है कि अगर हच्चे से भी बचना है ना, तो आप इसमें इसका जेन्युइन इंजन ही डलवाएं, ठीक है जी। बाकी हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, हमने तो मशवरा देना है, ठीक है, फ्री में, बाकी डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि अच्छे मैकेनिक से अगर मशवरा कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये आप माउंटिंग चेंज करें, ये करें, वो करें, उसके एक्सल भी चेंज होंगे, बहुत सारी चीज़ें बीच में काउंट होती हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि इसका अपना जर्मन इंजन रखवाया जाए इसके अंदर, बाकी मर्जी है, मैंने उनको फ़िलहाल दिखा दिए, बाकी ये कंडीशन मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ सफाई होने वाली है, बाकी इंजन ठीक है। आप अगर कहेंगे तो आपको हेड वगैरह भी चेक करवा दोगे ना इसका, हाँ हेड वगैरह भी खोल के ये चेक करवा देंगे इसका, अंदर से क्या कंडीशन है, किस तरह से है, ये तो इन्होंने अभी फ़िलहाल साफ़ नहीं ना किया होगा, उसी कंडीशन में ये पड़ा होगा, ठीक है जी। बाकी आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपको इंजन ये वाला चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, ठीक है। बाकी ये कंप्रेसर वगैरह, थ्रॉटल बॉडी, कारपेटर वगैरह, हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको भी चाहिए हो कॉन्टैक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। जनरेटर जापानी गाड़ियों के भी, और कुछ ये टर्बो सिस्टम भी पड़े हुए हैं, ठीक है, जापानी कार्स के काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, खाली ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, सेल्फ भी पड़े हैं, उसके अलावा वो कंप्रेसर्स ढेर लगा हुआ है। आपने सबसे पहले चीज़ देखनी होती है कि जो इंजन आप ले रहे हैं ना, उसका सामान मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, उसी इंजन का फ़ायदा, ये नहीं कि आपने इंजन रखवा ली है उसका मार्केट में सामान अवेलेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला आता है जो डबल कैम ट्विन कैम इंजन होता है ना, उसके पार्ट्स में ज़्यादा मसला आता है, क्योंकि उसके पार्ट्स जो है ना मार्केट से बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ज़्यादातर जो ट्विन कैम इंजन है वो निसान की गाड़ियों में आते हैं, और कुछ लोग शोकिया रखवा लेते हैं, बट जब कोई मसला होता है तो उनको उनके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, ठीक है। ये सर्च करके ये चीज़ें रखा करें, बार बार आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में बंदा बार बार इंजन भी नहीं चेंज कर सकता। बाकी बताइएगा चीज़ें आपको कैसी लगी हैं जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे नया नई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके, और वीडियो का मुझे अपने फीडबैक लाजमी देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, इंजन की कंडीशन वाइज और उसकी स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और बताता हूँ, ताकि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन हो सके, और आपने मुझे फीडबैक इसका लास्ट में देना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो चलें, लेट्स सी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।